उज्जैन में निगम द्वारा आवारा पशुओं को छोड़ने वाले पशु पालकों पर सख्ती से कार्यवाही की जा रही है। इसी संबंध में आज निगम आयुक्त एवं कलेक्टर ने बैठक लेकर सभी पशु पालकों को पशु को नगर निगम की सीमा से दूर रखकर पालने के आदेश दिए हैं। साथ ही यदि कोई गौ माता को धार्मिक दृष्टि से पालन करना चाहता है तो वह दो गायों को अपने घर पर रख कर पाल सकता है, लेकिन उन्हें खुले में नहीं छोड़ सकता। भैंसों, घोड़े एवं सुअर पालन पर निगम आयुक्त ने पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर ने कहा कि यदि कोई निगम गैंग की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करता है तो उसे हवालात में बंद कर दिया जाएगा और कोई बाहुबली बनकर निगमों के कार्यों में रुकावट डालेगा तो उस पर रासुका भी लगाई जाएगी। उज्जैन धार्मिक नगरी के साथ ही पर्यटन के रूप में भी मध्य प्रदेश में पहला स्थान रखती है। आवारा पशु के कारण पर्यटकों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसमें कितनी कार्रवाई की जाएगी आपके द्वारा? जितने भी प्रकार के पशुपालक हैं जिन्हें आज की बैठक में जो निर्देश व्यापक प्रकार से दिए गए हैं और प्रक्रिया भी निर्धारित कर दी है, सभी को चाहिए कि उज्जैन धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण शहर है मध्य प्रदेश का, तो हम सभी को चाहिए कि इसमें सहयोग करें और अपने जितने भी पशु अभी हमारे आवारा हैं या पशु बाड़ों में संचालित कर रखा है वो सभी को 7 दिवस के भीतर शहर की सीमा से बाहर कर दें और इस 7 दिवस के दौरान नगर निगम की टीम खुद अपने स्तर से जो भी हमारे आवारा पशु सड़कों पर हैं उनको बाहर करने के लिए विशेष तैयारी के साथ में अभियान में जुटी है। निगम आवारा पशुओं के खिलाफ काम कर रहा है, ये बड़ा सराहनीय है और 6 लाख आबादी है उज्जैन की। आज हम लोगों ने डॉक्टर जो सिविल सर्जन है डॉक्टर निदारिया उनको बैठक बुलाया था। पिछले 1 जनवरी से 900 डेथ जो शहर में एक्सीडेंट्स को लेकर हुई हैं उसमें 350 केवल आवारा जानवरों की वजह से हुई हैं, ये मेरे ख्याल से इनके जिले की आंकड़ा होगा ये, तो डेफिनेटली उसका बहुत बड़ा पार्ट उज्जैन शहर में आता है और डेथ हो रही है, लोगों में फ्रैक्चर हो रहे हैं, बैकबोन इंजरीज हो रही हैं। जो गरीब लोग टू व्हीलर वाले हैं वो जा रहे हैं तो उनका जो वर्किंग आवर्स वर्किंग डेज हैं इसके वो किल हो रहे हैं, पैसा अनावश्यक खर्च हो रहा है उनका। तो ये सब रोकने के लिए सभी पशुपालकों को बुलाया था, अभी तक इनके जितने अवैध निर्माण थे तोड़ने की कार्रवाई चल रही थी और आज इनको 7 दिन का समय दिया गया है। जितने भी डेयरी पालक हैं उनको बोला गया है भैंस किसी तरह की अलाउड नहीं रहेगी, सुअर को प्रतिबंधित किया गया है। इसके लिए अलग से नगर निगम कमिश्नर हमको एक प्रस्ताव भेज रहे हैं, 144 में हम लोग आदेश भी जारी करेंगे। केवल 2 पशु अलाउ किए हैं, वो भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, घर के अंदर रहना चाहिए और स्वयं के उपयोग के लिए, डेयरी उपयोग का नहीं रहेगा, स्वयं के उपयोग के लिए रहेगा। क्योंकि गौ माता बड़ी पूजनीय है, धार्मिक शहर है, बाकी शहरों में एक पशु अलाउ करते हैं, एक गाय अलाउ करते हैं, यहाँ हमने 2 गाय अलाउ की हैं जो कि धार्मिक शहर है ये। और अगर कहीं बाहर निकला और नगर निगम जब्त किया तो या तो उसको जब्त करके बाहर भेज दिया जाएगा गौशाला में, या अगर उसे छुड़वाना चाहते हैं तो 50% जो कॉस्ट है उसकी उसको जमा करना होगा, जो एक काफ़ी बड़ी पेनल्टी नगर निगम के पार्ट से होगी। भैंसों का हर प्रकार से रखना यहाँ पर प्रतिबंधित रहेगा, केवल गौवंश को हम लोग अलाउ कर रहे हैं और सुअरों को पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पंचायत एरिया में लेकर सुअर के बाड़े बनाए जा सकते हैं, वहाँ पर सुअरों को पालने की प्रक्रिया होती है, बाड़े में बना के पाल के सुअरों को फिर उसको दिल्ली जो बेचते हैं लोग ले जा करके दिल्ली बेच सकते हैं। शहर के अंदर जो ये गली कूचों में घुमा के सुअरों को करते हैं वो भी टोटल प्रतिबंधित रहेगा। इस संबंध में कमिश्नर नगर निगम पूरा डिटेल उन्होंने निर्णय लिए हैं और वो प्रस्ताव हमको बना के भेज रही हैं, आज उन्होंने बतला दिया है इन सब पशुपालकों को और उसके तहत में हम लोग भी 144 में आदेश जारी कर रहे हैं। जो मंदिरों की जो गौशालाएं हैं वो इससे मुक्त रहेंगी, ये भी बड़ा क्लियर है। जो धार्मिक प्रयोजन के लिए मंदिरों में गौशालाएं रहती हैं, कुछ मंदिरों की भी थी, किसी मंदिर में 1 गाय है 2 गाय है, उनमें किसी प्रकार की समस्या